महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सोने की बरसात भी कर सकता है। अपने संपर्क में आने वाली लोहे की हर वस्तु को सोने में तब्दील कर सकता है। एक ऐसा ही सदियों पुराना दावा मिलता है पारस पत्थर का। दावा है कि लोहे को सोने में तब्दील कर देने वाला वो चमत्कारी पत्थर आज भी मौजूद है और उसी पत्थर के राज की पड़ताल भोपाल से रुख किया मध्य प्रदेश के रायसीन का, जहां 900 साल पुराने खंडहर में तब्दील हो चुके किले में आज भी पारस पत्थर मौजूद होने का दावा किया जाता है। दावा किया जाता है कि इसी किले में कभी रायसीन को बसाने वाले हिंदू राजा रायसिंह का राज हुआ करता था। रायसिंह के पास एक ऐसा जादुई पत्थर रहा होगा जिसने इस किले को दौलत से भर दिया होगा। रियासत का सारा लोहा सोने में तब्दील हो गया होगा। उसी बेशकीमती पत्थर ने कभी राजाओं और बादशाहों को इस किले पर आक्रमण के लिए उकसाया, किले के ही एक तालाब में फेंक दिया और तालाब के तल तक कोई नहीं पहुंच सका। कहा तो यहाँ तक जाता है कि पारस पत्थर को छूने से आदमी भी अमर हो जाता है। संसार में कई लोगों ने इस चमत्कारी पत्थर की तलाश की और कुछ लोगों ने जादुई पत्थर को बनाने की कोशिश भी की। कुछ अल्केमिस्ट मानते हैं कि पारस पत्थर चंद्रमा या किसी दूसरे ग्रह पर बना था जो धरती पर आ गिरा, जबकि दावा यह भी किया जाता है कि किसी अंडे के अंदर सही मटेरियल मिलने के बाद वो पारस पत्थर बन जाता है। तो क्या वाकई कुछ वैसा ही चमत्कारी पत्थर रायसेन के किले में भी दफन है? अगर रायसेन के राजा राय सिंह के पास पारस का पत्थर था तो उन्होंने पूरी नगरी सोने में तब्दील क्यों नहीं कर दी? तो आखिर सच क्या है? लोक कथाओं में जिस पारस पत्थर के मालिक का नाम राय सिंह चला रहा है, उनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब क्यों मिलता है? आखिर हर किले में पारस पत्थर के दबे होने की कहानी क्यों मिलती है? ये एक बेहद उलझा हुआ राज है जिसका कोई सिरा नहीं मिलता। कोई नहीं जानता कि पारस पत्थर की हकीकत क्या है, पारस पत्थर के गुण और लक्षण क्या है, इस जादुई पत्थर के पाए जाने की जगह क्या है, एक अनमोल पत्थर होने का प्रमाण क्या है। लेकिन एक सच ये भी है कि किस्से कहानियों में पारस नाम का जादुई पत्थर बच्चे बच्चे को नैतिकता का पाठ पढ़ाता चला आ रहा है, कर्म का मंत्र देता चला आ रहा है, इंसान का सोने जैसा दमकता चरित्र देता आ रहा है।